हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर लाइब्रेरी आई एम आकांक्षा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सैंपल क्वेश्चंस आई एम श्योर इट विल बी डेफिनेटली विल्पफुलर एस ए वन एग्जाम ये क्वेश्चन टोटल ट्वेंटी मार्क्स के हैं मेरे आंसर बोलने से पहले आप उसका आंसर देने के लिए ट्राई करना इस तरह से आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा सो लेट्स टेकअप द फर्स्ट क्वेश्चन अब मैंने चार टॉपिक्स को लिया है रिलेटेड टू गॉड फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बेगर और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स जो एक वर्ड है लेटर टू गॉड में कॉरेस्पॉन्डेंस उसका मतलब क्या है ए एक्सचेंज ऑफ लेटर्स ए फॉर्म डिसीशन सी सेटिस्फैक्शन डी एन एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स और इसका आंसर होगा डी एन एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेंचो कंसिडर द रेंड्रॉफ एज ए पर्ल्स बी सिल्वर कॉइंस सी न्यू सिल्वर कॉइंस डी सॉल्ट और इसका आंसर होगा बी न्यूंस लेंचो ने रेंड्रोव्स को न्यू कॉइंस के साथ कंपेयर किया था लेंचो रोड द सेकेंड लेटर इन ऑर्डर टू लेंचो ने सेकेंड लेटर क्यों लिखा था थैंक गॉड बी हेल्प गॉड सी आस्क द रेस्ट मनी डी टू सेंड मनी थ्रू मेल लेंचो अपने पहले लेटर में हंड्रेड पेसोस मांगता है गॉड से पर उसे रिसीव होता है सेवेंटी पेसोस वो रेस्ट थर्टी पेसोस मांगने के लिए सेकेंड लेटर लिखता है तो इसका आंसर होगा टू आस्क गॉड टू सेंड द रेस्ट मनी उसको बाकी पैसे चाहिए थे इसीलिए उसने सेकेंड लेटर लिखा था फोर्थ क्वेश्चन है वायलेंट स्टॉर्म वो सेंटर इज अ क्लाउड इन द शेप ऑफ ए फनल और इसका आंसर होगा बी टोर्नेडो तो चलते हैं अगले सवाल पे लेटर टू गॉड इज रिटन बाई यहाँ पे ग्रेगोरियो लोपेज फ्रेंड्स ही दिया गया है जिन्होंने लेटर टू गॉड लिखा है पर आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्पेलिंग इसमें से कौन सा है ये है इसका करेक्ट स्पेलिंग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डैश इज द मणिपुर न्यू ईयर इन अप्रैल कौन से फेस्टिवल को मणिपुर न्यू ईयर माना जाता है द ऑप्शन आर ए निंगल चकोबा बी चापचकुट सी वांगला डी चाइरो और इसका आंसर होगा चायरोबा चायरोबा को मणिपुर न्यू माना जाता है द गैरोज इन द विलेज ऑफ डैश सेलिब्रेट वांगला गैरोज ट्राइब के लोग कौन से स्टेट के विलेज में वांगला फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और इसका आंसर होगा ए मेघालय मेघालय में वांगला को सेलिब्रेट किया जाता है जो सेलिब्रेट करते हैं ग्यारो स्ट्राइव के लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इज वांगला इज आल्सो नोन एज हंड्रेड ड्रम डैश हंड्रेड ड्रम बीटिंग यहाँ पे नहीं होगा हंड्रेड ड्रम चाइरो तो बिल्कुल नहीं होगा हंड्रेड ड्रम गैदरिंग भी नहीं होगा इसका आंसर होगा हंड्रेड ड्रम फेस्टिवल बांग्ला इज ऑल्सो नोन एज हंड्रेड ड्रम फेस्टिवल बांग्ला को हंड्रेड ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बांग्ला में हंड्रेड ड्रम्स एक सौ ड्रम्स एक साथ बजते हैं इसीलिए उसको हंड्रेड ड्रम फेस्टिवल माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अरुणाचल प्रदेश पीपल वॉशिप डैश अरुणाचल प्रदेश में लोग किस गॉडेस की पूजा करते हैं जिसका आंसर होगा गॉडेस मोपिन और वो गॉडेस मोपिन की पूजा क्यों करते हैं टू ड्राइव अवे द इविल स्पिरिट एंड फॉर अक्वेरिंग नॉलेज एंड प्रोस्पेरिटी इन लाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डैश इज एन अमेजिंग बुद्धिस्ट फेस्टिवल इन सिक्किम सिक्किम का एक अमेजिंग बुद्धिस्ट फेस्टिवल कौन सा है वांगला बी तिहार सी लोसुंग डी सागरदवा और इसका आंसर होगा डी सागा दवा सागा दवा एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जिसको सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एटलास्ट लस्कअ बिकेम और ये आ गया आपका बेगर में से क्वेश्चन एटलास्ट लस्कअ बिकेम डैश एन एडवोकेट स्टूडेंट अ टीचर अ नोटरी देखिए लस्कअ एक एडवोकेट बिल्कुल नहीं था एडवोकेट थे मिस्टर सरगई स्टूडेंट के बारे में वो झूठ बोल रहा था टीचर वो था नहीं तो इसका आंसर होगा ए नोटरी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कितने साल बाद एक नोटरी बना द वर्ड सॉड मीन्स जो वर्ड है सॉड इसका मतलब क्या है और ये क्वेश्चन आपके नोट्स एंड ग्लॉसरी में से लिया गया है हैबिचुअल ड्रंकर्ड बी अ होमलेस पर्सन सी इमेजिनरी स्टोरी डी बिकेम रेड जानकारी के लिए बता दू होमलेस पर्सन को वेफ बोलते हैं डब्ल्यू ए आई एफ तो सॉट मीन्स अबिचुअल ड्रंकड इसका आंसर होगा ए नंबर एबिचुअल आई एम ओब्लाइज टू बाय सर्कमस्टांसेस इज सेट बाय इस लाइन को किसने बोला था इसका कंप्लीट सेंटेंस था हेल्प मी काइंडली आई एम अशेम टू आस्क बट आई एम ओब्लाइज टू बाय सर्कमस्टांसेस इसका मतलब है मुझे बुरा तो लग रहा है और परिस्थितियों ने मुझे फोर्स किया है मांगने के लिए इंडियन सी अमेरिकन डी रशियन एंड कॉपिक इज अ रशियन कॉइन क्योंकि आप जानते हैं जो बेगर हमारा टॉपिक है उसका सेटिंग रशिया में रखा गया है और इस चीज को आप और एक बात से भी याद रख सकते हो कि लस्कप एक रशियन चौर में काम करता था तो आगे बढ़ते हैं द बेगर इन डैश ए रेलवे स्टेशन, बी कलुगा सी सिनेमा हॉल डी सदर्भिया स्ट्रीट रेलवे स्टेशन तो बिल्कुल नहीं था कलुगा उसको कलुगा से उसको एक जॉब अपॉर्चुनिटी आया था उसको वहां पे जाना था बाकी रहते हैं ये दो ऑप्शंस सिनेमा हॉल साधुर्या स्ट्रीट अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन पहली बार के लिए पूछा गया है या दूसरी बार के लिए पूछा गया है तो आपको बता दूं कि वो लोग थिएटर के बाहर मिले थे ना कि सिनेमा हॉल के अंदर तो यह आंसर भी नहीं होगा तो यह आंसर होगा सदरविया स्ट्रीट द पोस्टमैन गेव मियो पार्सल ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस से लिया गया है देखिए यहाँ पे और इसका पैटर्न पूछा गया है देखिए यहाँ पे द पोस्टमैन सब्जेक्ट है गेव भर्ब है मी एक ऑब्जेक्ट है और पार्सल एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसका पैटर्न हो गया एस भी अवेयर टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे हमें वार्निंग दिया गया है डैश सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज इन टू नेगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है और इसका आंसर होगा एक्सलामेटरी सेंटेंस आप ये बोल सकते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट इट वाज आप ये नहीं बोल सकते हो कि व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट इट वाज नॉट गलत होगा इसीलिए एक्सलामेटरी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है द स्टोरी ऑफ योर्स वेरी इंटरेस्टिंग वॉट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट स्टोरी बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मतलब ये दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन डिक्लेरेटिव सेंटेंस के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि ये स्टेटमेंट ओपिनियन और इंटेंशन पे बेस्ड होता है और इसके एंड में एक फुल स्टॉप रहता है तो ये लाइन ओपिनियन को दर्शाता है इसीलिए इसका आंसर होगा डिकलेटिव चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे टेक केयर यू विल फेल कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ध्यान रखो तुम फेल हो जाओगे द ऑप्शन्स आर ए एंड बी फॉर सी अदरवाइज डी गेट इसका आंसर होगा सी अदरवाइज टेक केयर अदरवाइज विल फेल ध्यान रखो वरना तुम फेल हो जाओगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके ट्वेंटी में से कितने मार्क्स आए सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझा है आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं Click on the bell icon and press the notification button to stay updated.